हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू MSE। तो कैसे हो दोस्तों, आज जो हम बात करने आ रहे हैं वो बात करने आ रहे हैं कि आपको कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको क्या तैयारी करके रखनी है 3-4 दिन पहले बोर्ड से। तो दोस्तों, आपका पहला एग्जाम तो म्यूजिक स्टूडेंट्स का और बाकी स्टूडेंट्स का भी म्यूजिक ही होगा पहले, सबसे पहले एग्जाम। तो म्यूजिक के पेपर के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जैसे अभी आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, तो जो बेसिक आपको सबको बताना चाहिए वो है, सबसे पहली चीज गेट योर एडमिट कार्ड रेडी। अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए, 2-3 फोटो कॉपी करा लीजिए और हो सके तो जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिले आपको स्कूल की तरफ से उसको आप लैमिनेट करके रख लीजिए ताकि कोई भी लिक्विड से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और एडमिट कार्ड पे ये इंश्योर कर दीजिए कि आपके पेरेंट्स के साइन है उस पे, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के साइन है उस पे तो ये आपका एडमिट कार्ड वैलिड है। ये नया रूल है CBSE का इस साल। तो एडमिट कार्ड के 2-3 कॉपीज निकाल लीजिए, लैमिनेट कर लीजिए और एडमिट कार्ड रेडी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे पहुंच जाते हैं वहां पे एग्जाम देने। मेरे दोस्त भी पिछली बार ऐसे ही बताओ पहुंच गए एग्जाम देने पर वो एडमिट कार्ड फिर भूल गया था, तो इसलिए बाद में आधा घंटा लेट हो गया एग्जाम देने के लिए। तो मेक श्योर योर एडमिट कार्ड इज रेडी। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि आपको एग्जाम के ड्यूरिंग क्या करना है। तो आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 10 बजे शुरू और खत्म होता है 1 बजे। जैसे पहले होता था 9 से 12, अब होता है 10 से 1। तो आपको 9:45 से पहले पहुंच जाना चाहिए, 9:30 या 9:45 से पहुंच जाइए। उसके बाद अगर आप इस टाइम में पहुंचेंगे तो आपको रोल्स भी सब समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो वहां पे उन्होंने जब पहले दिन एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां जो आप जिस स्कूल में आपका एग्जाम है वहां पे टीचर्स जो आपको रूल बताएंगे, आपका सीटिंग प्लान बताएंगे, वो सुनने के लिए आपको 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा एग्जाम शुरू होने से पहले। हद से ज्यादा यार 9:45 तक पहुंच जाना, क्योंकि उसके बाद कई स्कूल एंट्री बंद कर देते हैं। तो ये था मैं सेकंड आपके लिए एडवाइस। थर्ड एडवाइस देना चाहूंगा कि पहले जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, और उसमें कई चीजें बताई हुई है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर पे क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है, आंसर शीट कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो वो एक बार पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछे हैं हमसे और अब आपके क्वेश्चन। तो गाइस, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है वो आपने पूछा है कि आपको कौन सी चीजें एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है। तो एग्जाम हॉल में कोई भी हेल्पिंग मटेरियल हो, चाहे आपके नोट्स हो, चिट्स हो, कैलकुलेटर हो, उसके अलावा कोई भी गैजेट्स हो, वो कोई भी चीजें अलाउड नहीं है। और ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम नहीं है और अगर आप पकड़े गए तो आप कोई भी पेपर नहीं दे पाओगे, साथ में आपको 3 साल तक बैन कर देंगे एग्जाम देने के लिए। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि वेदर आर डिजिटल वॉचेस अलाउड इन एग्जाम और नॉट। तो जो डिजिटल वॉचेस होती है अगर वो सिर्फ टाइम बताती है तो वो अलाउड है, जैसे MI वॉच होगी वो सिर्फ टाइम बताती है। अगर वो एप्पल की आई वॉच है या फिर कोई और ऐसी वॉच है जिसके अंदर आपको हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है तो उसे बिल्कुल ना लेके जाइए, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो जो अगला क्वेश्चन आपने पूछा है वो है कि इस बार एग्जाम में कितना परसेंट एग्जाम इजी या डिफिकल्ट आएगा। तो गाइस, जो एग्जाम होता है वो हमेशा सारा डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ होता है मोस्ट डिफिकल्ट जो होता है 25%, 25% होता है वेरी इजी, 50% होता है एवरेज, यानी कि आप सबके 75% मार्क्स आने कन्फर्म है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इस बार 25% ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस बार बोर्ड में 25% क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के या MCQ टाइप, आपके 1 मार्क क्वेश्चन होंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए एग्जाम के वक्त। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको अपने एग्जाम के वक्त कैरी करना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट बैग, चाहे आपका माइक क्लियर बैग हो चाहे जो मर्जी हो, एक ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड और एक ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री। वो आपको कहीं की भी दुकान मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री होगी और उसके अंदर आप डाल सकते हैं अपने जो मर्जी, आपके पेन्स हैं, कंपास है, जितने जो भी मर्जी आपको इक्विपमेंट चाहिए एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए वो आप उसमें डाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि जो आपका ज्योमेट्री है और जितने भी आपके चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, कार्डबोर्ड भी ट्रांसपेरेंट हो, कई बार ये होता है कि वो दूसरे कार्डबोर्ड अलाउ करें। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि आर वॉचेस अलाउड इन एग्जाम और नॉट। तो हम पहले बात कर चुके हैं एग्जाम हॉल में वॉच अलाउड है,
स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, बाकी सारे वॉच अलाउड है। उसके बाद क्वेश्चन है, इज पेरेंट्स सिग्नेचर ऑन एडमिट कार्ड मैंडेटरी? बिल्कुल जी मैंडेटरी है। इस बार आपको अपने पेरेंट्स से अपने एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन और एडमिट कार्ड पे आपने साइन कराने हैं अपने पेरेंट्स के। उसके बाद इज फॉलोइंग ऑन एनसीईआरटी बुक्स इनफ फॉर बोर्ड एग्जाम? एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आपको आपके ट्यूशन टीचर से नोट दिए हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड्स के थ्रू भी जाएं, आपका बोर्ड में एनसीईआरटी वाला एग्जाम ही आता है। तो बस गाइज ये थे आपके मेन क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, वो एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो आपका एग्जाम है उसमें आपने ये फोकस रखना है कि आपका एग्जाम जैसे जो 90 मार्क्स का एग्जाम है उसके लिए बता रहा हूँ आपको, म्यूजिक को अलग छोड़ के, क्योंकि म्यूजिक का जो एग्जाम है उसके लिए हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अटेम्प्ट करने के लिए। जो आपका एग्जाम है 90 मार्क्स के लिए, उसके अंदर आपको डिविजन ऐसा करनी है कि एक घंटे के अंदर आपने 30 मार्क अटेम्प्ट करने हैं, 30 30 30, तभी आपके 90 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो मेरे हिसाब से कई टीचर्स तो कहते हैं कि आपको पहले घंटे में 40 मार्क, दूसरे घंटे में 40 मार्क, तीसरे आधे घंटे में 20 मार्क और बाकी आधे घंटे आपको रिवीजन करनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से पहले आप 30 मार्क अटेम्प्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए अटेम्प्ट किया आपने 30 मार्क का एक घंटे में, और उसकी उसको आप अटेम्प्ट करते हैं 45 मिनट में, और 15 मिनट सेक्शन ए को ही रिवाइज कीजिए। फिर ऐसे आगे अगले घंटे में 45 मिनट में अटेम्प्ट किए 30 मार्क और, फिर उसे रिवाइज कीजिए, फिर एंड में 45 मिनट में अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसे रिवाइज कीजिए। ऐसे आपका पेपर बारी बारी रिवाइज होगा और एंड में अगर आपका उस टाइम बचे तो आप फिर से पेपर गो थ्रू कर पाएंगे। तो ये थी मेरी एडवाइस आपके लिए बोर्ड से पहले, क्या वो बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है और बोर्ड से पहले क्या क्या चीजें आपको तैयार रखनी है। और मेन तो यही है, आपको एडमिट कार्ड तैयार रखना है, अपने इक्विपमेंट्स तैयार रखने हैं, टाइम से पहुंचना है और पेपर में बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आना, क्योंकि कई बार अगर टीचर लिबरल हुआ तो चेक कर ही देता है। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर बोर्ड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम @ I am Sumrit। So, meet you in the boards. Bye.